हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कमोडिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो क्रूड ऑयल के 22 जुलाई फ्यूचर्स जो है करंटली यहाँ पर मार्केट में किस तरह ट्रेड कर रहे हैं और वीकली ओवरव्यू एनालिसिस के हिसाब से किस तरह के प्राइस मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का ट्रेंड यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हो कि इस वीक के अंदर अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड प्रेशर और एक अच्छा खासा जो है अपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। टू बी प्रिसाइज, अगर हम इसे और अच्छी तरीके से देखें तो एक अच्छा सा डाउनवर्ड ट्रेंड और उसके बाद थोड़ा बहुत अपसाइड जो है वो मोमेंटम देखने को मिला है, उसके बाद फिर से करेक्शन देखने को मिला और फिर से अपसाइड जो ट्रेंड है वो फॉलोअप होते हुए देखने को मिला है। बट यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जब कभी भी अच्छा सा अप ट्रेंड आता है तो फिर से जो सपोर्ट लेवल होता है वो ब्रेक होने के बाद बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। सो सेम फॉलोज हियर ऑल्सो, ये जो अच्छी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है आफ्टर दैट यहाँ पर फिर से हम जो है अच्छा सा सपोर्ट लेवल बनाएंगे, बेस लेवल बनाएंगे। जस्ट अगर हम इसे और स्पेसिफाई करते हैं अच्छा से लेवल के लिए तो लेट्स वेट कि यहाँ पर हमें क्या लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर के लिए अगर हम यहाँ पर प्रिसाइजली भी बात करते हैं तो ये लेवल स्टैंड आउट करता है नियरली एट द प्राइस ऑफ अराउंड 7535 के आसपास या फिर 7540 के नीचे भी अगर यहाँ पर कैंडल्स मूव करना स्टार्ट करती हैं तो शॉर्ट पोजीशन जो है बनाई जा सकती है। बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हो कि एक ही सेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और अगले दिन थोड़ी बहुत गैप अप होनी और फिर से करेक्शन देखने को मिला है। सो दैट इज़ द थिंग जो कि यहाँ पर हमें कंसिडर करनी चाहिए कि यहाँ पर जब कभी भी लो ब्रेक करे प्रीवियस डे का या फिर प्रीवियस वीक के लो का तो काफ़ी अच्छा सा जो है मोमेंटम देखने को मिलता है। बट ये तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि मोस्टली कि शॉर्ट पोजीशन के अंदर किस तरह ट्रेंड फॉलोअप देखने को मिल सकता है। लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी अगर आपको अगर ट्रेंड के अंदर रिवर्सल भी आता है तो यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन कब बनानी चाहिए। तो सबसे ईजी बिजनेस के हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो अबाउट द प्राइस ऑफ 8740 के ऊपर अगर कैंडल्स मूव करती है तो ही यहाँ पर हमें जो है लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि यहाँ पर हमें इंट्राडे टारगेट्स भी जो है अच्छे तरीके से 30-40 पॉइंट्स के मिल सकते हैं और उसके साथ साथ में जो ट्रेंड चेंज होगा उसका भी यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर आपका रिस्क कैपिटल थोड़ा बहुत हाई है तो मंडे सेशन के लिए अगर एक स्टैग्नेंट ओपनिंग होती है तो अबाउट द प्राइस ऑफ 8350 भी यहाँ पर एज पर योर रिस्क एपेटाइट लॉन्ग पोजीशन जो है बनाई जा सकती है। तो ये तो बात हो गई पूरी चार्ट के बारे में, चार्ट किस तरह से देखने को मिल रहा है और इंट्राडे एज वेल एज यहाँ पर किस तरह के टारगेट्स फॉर्म होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट RSI। तो RSI जो है RSI अच्छा से मिड सेक्शन के ऊपर ही एक बाइंग रेंज के ऊपर ही यहाँ पर हमें ट्रेड होते देखने मिल रहा है। सो मोस्टली जहाँ पर जो हमारा फेवर रहेगा वो यहाँ पर बाय साइड पर ही रहेगा। हालांकि अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमने आपको लेवल जस्टिफाई कर दिए हैं। MACD ने भी बाय का सिग्नल ही दिया है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर हमें मंडे को क्या सेशन में मोमेंटम ब्रेकआउट देखने को मिलता है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ऐसे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।